हाय, मैं हूं मोहित। आप देख रहे हैं टेक्निकल वर्ड्स। तो दोस्तों, हर एक महीने फ्लिपकार्ट पर बिग सेविंग डे सेल हम सभी को 10 तारीख के बाद ही देखने को मिलती है। लेकिन दोस्तों, इस बार मतलब कि मई के महीने में बिग सेविंग डे सेल फ्लिपकार्ट पर 5 मई से स्टार्ट होने वाली है, जो कि ये बिग सेविंग डे सेल फ्लिपकार्ट पर 10 मई तक चलने वाली है। और बिग सेविंग डे सेल मई की सबसे बड़ी सेल होने वाली है। और देखिए, बिग सेविंग डे सेल में हम सभी को फोन्स पर ऑफर, मतलब कि कई फोन्स पर ऑफर हम सभी को 1 मई से ही मिलना स्टार्ट हो जाएगी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इसी बिग सेविंग डे सेल के बारे में बात करने वाला हूँ, जो कि ये बिग सेविंग डे सेल मई की सबसे बड़ी सेल होने वाली है। तो दोस्तों, इसलिए अगर आप सभी को इस सेल के बारे में पूरी जानकारी चाहिए, तो उसके लिए आप सभी को यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। और अभी तक आप लोगों ने मेरा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, तो आप लोग जाकर ज्वाइन कर सकते हो। मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करते हो, तो वहाँ पर मैं आप सभी को सेल के बारे में यूट्यूब से भी पहले इन्फॉर्मेशन देते रहता हूँ। तो आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो को हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सभी को बिग सेविंग डे सेल के बारे में कुछ जरूरी बात बता देना चाहता हूँ। देखिए, इस सेल में आप सभी को कई फोन्स पर एक्सचेंज ऑफर मिलने वाला है, और बहुत सारे फोन्स पर आप सभी को इसी सेल में नो कॉस्ट ईएमआई का ऑफर भी देखने को मिलने वाला है। वहीं दोस्तों, मैं कार्ड ऑफर के बारे में बात करूँ, तो अगर इस सेल में आप सभी के पास SBI बैंक का क्रेडिट कार्ड है, तो आप सभी को SBI बैंक का क्रेडिट कार्ड पर 10% का ऑफ मिलने वाला है लगभग सारे फोन्स पर। तो अब सवाल यह आता है कि हम सभी को इसी बिग सेविंग डे सेल में SBI का कार्ड पर मैक्सिमम कितना डिस्काउंट मिलने वाला है। तो दोस्तों, ये जानकारी हम सभी को 5 मई को ही मिलने वाली है। इसके बारे में जैसे ही कोई भी इन्फॉर्मेशन निकल के आएगी, तो मैं आप सभी को वीडियो बना के डेफिनेटली इन्फॉर्म कर दूंगा। तो आइए दोस्तों, मैं बात कर लेता हूँ फोन ऑफर के बारे में। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो कि अभी तक iPhone 13 का और Samsung S20 FE का ऑफर को रिवील नहीं किया गया है, मतलब कि अभी ये दोनों फ़ोन का प्राइस को रिवील नहीं किया गया है। शायद मेरे विचार से ये दोनों फ़ोन का प्राइस 4 या फिर 5 मई को ही रिवील होने वाली है। लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि इस सेल में, मतलब कि बिग सेविंग डे सेल में, iPhone 13 आने वाला है अंडर 55K, और हम सभी को Samsung S20 FE देखने को मिल सकता है अंडर 35K। तो जहां तक मुझे लगता है कि Samsung S20 FE हम सभी को मिल जाएगा 35,000 रुपये के नीचे, और iPhone 13 मिल जाएगा 55,000 रुपये के नीचे। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारा अगला फोन निकल के आता है Poco X5 Pro 5G। ये हम सभी को मिलने वाला है बिग सेविंग डे सेल में मात्र 21,000 रुपये में। उस सेल में हम सभी को इस फोन पर 2,000 रुपये का ऑफ देखने को मिल जाएगा। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि हम सभी को इस फोन पर कार्ड पर ही 2,000 रुपये का ऑफर मिलने वाला है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारा अगला फोन निकल के आता है Redmi Note 12 Pro 5G। ये भी मिलने वाला है हम सभी को इसी बिग सेविंग डे सेल में 21,749 रुपये में। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि इस फोन में भी एक्सचेंज ऑफर या फिर कार्ड ऑफर या फिर प्रीपेड ऑफर इंक्लूड होने वाला है। तो दोस्तों, किस फोन में हम सभी को कैसे ऑफर मिलेगा, इसके बारे में अभी तक कोई भी इन्फॉर्मेशन निकल के नहीं आई है। जैसे ही इन्फॉर्मेशन निकल के आती है, तो मैं आप सभी को वीडियो बना के अच्छे से समझा दूंगा कि इस फोन में हम सभी को किस मेथड से कितना ऑफर मिलेगा। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारा अगला फोन निकल के आता है Realme 10 Pro Plus। इसमें भी हम सभी को 2,000 रुपये का ऑफ मिलने वाला है इसी बिग सेविंग डे सेल में। आप लोग Realme 10 Pro Plus को बाय कर पाओगे इसी बिग सेविंग डे सेल में मात्र 23,000 रुपये में। सेम हम सभी को कार्ड पर ही ऑफर मिलने वाला है 2,000 रुपये का। कुछ ही दिन पहले इस फोन में हम सभी को HDFC का और SBI का कार्ड पर 2,000 रुपये का ऑफर मिल ही रहा था। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारा अगला फोन निकल के आता है Google Pixel 6। इसको भी आप लोग इसी बिग सेविंग डे सेल में बाय कर पाओगे एक्सचेंज ऑफर लगा के और कार्ड ऑफर लगा के मात्र 26,000 रुपये में। और देखिए, Realme GT Note 3T। कुछ दिन पहले एक भाई ने कमेंट करके मुझसे ये सवाल पूछा था, भाई तुम बताओ कि हम सभी को Realme GT Note 3T में 10,000 रुपये का ऑफ कैसे मिलेगा, मतलब कि इस फोन का प्राइस कब होने वाला है 20,000 रुपये। मैंने उनको कमेंट में ये रिप्लाई दिया, भाई अभी इसका प्राइस 20,000 रुपये नहीं होने वाला है, लेकिन आप चिंता मत करो, क्योंकि ये हम सभी को 20,000 रुपये में मिलने वाला है इसी बिग सेविंग डे सेल में। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारा अगला फोन निकल के आता है Realme C55। आप लोग इसी फोन को इसी बिग सेविंग डे सेल में बाय कर पाओगे मात्र 10,249 रुपये में। तो यहाँ पर हमारा अगला फोन निकल के आता है Samsung F14। इसका भी अभी तक प्राइस को रिवील नहीं किया गया है। Poco X5। आप लोग इसी बिग सेविंग डे सेल में इस फोन को बाय कर पाओगे मात्र 15,000 रुपये में, मतलब कि पहली बार आप सभी को बिग सेविंग डे सेल में टोटल 2,000 रुपये का ऑफ मिलने वाला है। यहाँ पर हमारा अगला फोन निकल के आता है Poco C51। इसी बिग सेविंग डे सेल में आप लोग इस फोन को बाय कर पाओगे मात्र 7,000 रुपये में। इस फोन पर आप सभी को बिग सेविंग डे सेल में टोटल 1,000 रुपये का ऑफ मिलने वाला है। और Realme 10 Pro हम सभी को मिलने वाला है 18,000 रुपये में, मतलब कि आप सभी को 1,000 रुपये का कार्ड पर ऑफर मिलने वाला है इसी बिग सेविंग डे सेल में। और Poco C55 को आप लोग बाय कर पाओगे इसी बिग सेविंग डे सेल में मात्र 8,000 रुपये में। बिग सेविंग डे सेल का वेट करते हो, तो इस फोन पर आप सभी को टोटल 500 रुपये का ऑफ मिलने वाला है।
इन्फिनिक्स हॉट 25G आप लोग बाय कर पाओगे मात्र 10,000 रुपये में। जिसको भी एक बेस्ट गेमिंग 5G फोन चाहिए 10,000 रुपये के आसपास, तो आप लोग यहाँ पर बिग सेविंग डीएसएल का वेट कर सकते हो, क्योंकि बिग सेविंग डीएसएल में इस फोन का प्राइस होने वाला है मात्र 10,000 रुपये। तो दोस्तों अभी फिलहाल फ्लिपकार्ट पर इतना ही फोन का प्राइस को रिवील किया गया है। जैसे जैसे फोन का प्राइस को रिवील किया जाएगा मैं आप सभी को वीडियो बना के इन्फॉर्म करते जाऊंगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना था। अगर वीडियो छोटू को लाइक करना, इस चैनल को सब्सक्राइब करना और हाँ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलना। तब तक के लिए आज के इस वीडियो में बस इतना था। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।